नमस्कार किसान भाइयों, सुपर करोप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कपास का सीजन शुरू हो चुका है। सभी किसान अभी क्या है कि बीज की सर्च के अंदर लगा, अभी इस बार उनको कौन सा हाइब्रिड लगाना चाहिए, कौन सा हाइब्रिड उनको नहीं लगाना चाहिए और किस हाइब्रिड की क्या विशेषताएं। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे अजीत सीड का जो ACH 133 जो हाइब्रिड आता है उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अगर आप भी हाइब्रिड लगाने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। तो किसान भाइयों, अगर ACH 133 के क्रॉप ड्यूरेशन की बात करूँ किसान भाइयों, यानी जो अगर ये हाइब्रिड है इसको आप अपने खेत के अंदर लगा रहे हो तो इसकी अवधि है वो कितनी रहने वाली है। तो किसान भाइयों, इसकी जो ऑन एवरेज अगर मैं आपकी क्रॉप ड्यूरेशन की बात करूं तो ये 145 दिन से लेकर 155 दिन के जो इसकी क्रॉप ड्यूरेशन है वो रहेगी। उसके बाद में बात करूं किसान भाइयों इसकी प्लांट हाइट की, अगर प्लांट हाइट की बात करूं किसान भाइयों तो इसकी जो ऑन एवरेज जो आपको पौधों की जो हाइट आपको देखने को मिलेगी वो 140 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर के बीच में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में बात आ जाती है किसान भाइयों की कि इसके टिंडे का वजन कितना रहेगा, क्योंकि कपास के खेतों के अंदर टिंडा ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर टिंडे का जो एवरेज वजन है वो अगर कम होगा तो आपको क्या कि जो भी बीटी हाइब्रिड अपने खेत के अंदर लगाओगे उनकी ओवरऑल यील्ड अगर आपका वो भी कम देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, अगर इसके बोल वेट की बात करूँ जो ACH 133 की, तो इसकी जो ऑन एवरेज जो बोल वेट रहेगा किसान भाइयों वो आपका 4.5 ग्राम से लेकर 5 ग्राम के बीच में रहेगा। उसके बाद में बात आ जाती है किसान भाइयों की इसको हम कौन से एरिया के अंदर लगा सकते हैं, क्या उस एरिया के अंदर इसको लगा सकते हैं जहाँ पानी की कमी है, क्या उस एरिया के अंदर इसको लगा सकते हैं जहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, या कौन से एरिया के अंदर लगाएं तो इसकी पैदावार हमें ज़्यादा मिलेगी। तो किसान भाइयों, इसको आप दोनों एरिया के अंदर लगा सकते हो, जहाँ पानी आपके पास पर्याप्त मात्रा में है उस एरिया के अंदर भी इसको लगा सकते हो, जहाँ पानी की कमी है उस एरिया के अंदर भी इसको आप लगा सकते हो। इसकी परफॉर्मेंस पर किसी भी तरह का आपको पानी की वजह से जो उल्टा असर है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो यानी इसको आप क्या है कि रेनफेड के अंदर भी लगा सकते हो और इरिगेटेड जो एरिया उसके अंदर भी इसको आप लगा सकते हो। उसके बाद में बात आ जाती है किसान भाइयों की कि इसके अंदर शोषक कीटों के प्रति कितनी सहन शक्ति इस हाइब्रिड के अंदर। जैसे आपने कपास की खेती आप करते हो तो आपने देखा होगा कुछ हाइब्रिड के अंदर क्या कि रस चूसक कीट आते भी कम, अगर थोड़े बहुत आ भी जाते हैं तो क्या कि पौधा उनको झेल लेता है अच्छे तरीके से, पौधे के ऊपर किसी भी तरह का रस चूसक कीटों की वजह से उल्टा प्रभाव देखने को नहीं मिलता। तो सेम ACH 133 की अगर मैं बात करूँ किसान भाइयों तो ये भी क्या है कि आपके जो जितने भी रस चूसक कीट है, यानी मुख्यतः अगर मैं बात करूँ आपकी सफेद मक्खी जू हरा तेला, तो उसको क्या कि अच्छे तरीके से क्या कि आपका टॉलरेंट कर सकता है। उसके बाद में बात आ जाती है किसान भाइयों लीफ रेडनिंग, लीफ रेडनिंग को क्या है कि अच्छे खासा ये आपका टॉलरेंट है वो कर लेता है। तो किसान भाइयों, ये सब तमाम बातें थी आपके ACH 133 बीटी हाइब्रिड के बारे में। किसान भाइयों, हाइब्रिड से संबंधित अगर आपके कुछ भी सवाल जवाब है तो आप हमारी इस वीडियो को नीचे में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही घंटे का बटन दबाइए ताकि जब भी कोई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आए तो उसकी सूचना तुरंत आप तक पहुँच पाए। धन्यवाद।